नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देश नीति के इस विशेष कार्यक्रम में। दोस्तों, राम राज्य की बात चारों तरफ होती है। भारतीय जनता पार्टी के नेता और भाजपा शासित राज्यों में अक्सर बात होती है राम राज्य की, सुशासन की बात, गुड गवर्नेंस की बात, हिंदुत्व की बात और तमाम तरह की वो बातें, यहाँ तक कि मई जून में शिमला बना देने की भी बातें होती है, यहाँ तक कि कपड़ों से दंगाइयों को पहचानने की भी बात होती है और यहाँ तक कि दंगाइयों को उल्टा लटका देने की बात भी कही जाती है। ये तमाम बातें आपने तमाम खूंखार शब्द आपने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के मुखारविंद से अलग अलग मौके पर सुने होंगे, लेकिन इस शासन प्रणाली पर जनता ने जिस प्रकार से एतवार किया, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी पर लोगों ने भरोसा किया, क्या उसके बाद आपको लगता है कि मौजूदा दौर में सरकार अपनी मूलभूत समस्याएं जो जनता की है उसको लेकर के गंभीर है? और गवर्नेंस क्या होता है, गवर्नेंस की भूमिका क्या होती है, सत्ता का मूल मंत्र क्या होता है? अटल बिहारी वाजपेयी ने जिस राजधर्म की बात की थी, क्या उस राजधर्म को लेकर भारतीय जनता पार्टी के सत्ता में बैठे हुए लोग गंभीर है? इस सवाल की एक वानगी वही मिल जाती है जब कानपुर के एक सरकारी अस्पताल, जी हाँ, लाला लाजपत राय अस्पताल, जो सरकारी अस्पताल है, लाला लाजपत राय अस्पताल में कानपुर शहर में 14 बच्चों को HIV और हेपेटाइटिस से संक्रमित खून चढ़ा दिया जाता है। जी हाँ, 14 बच्चे जो पहले से ही थैलेसीमिया से ग्रसित है। थैलेसीमिया एक ऐसा रोग, आप सभी जानते हैं, बाय बर्थ डिफॉर्मिटी होती है, जन्मजात कुछ समस्याएं होती है जिससे किसी भी बच्चे के शरीर में अचानक खून की कमी होने लगती है, उन्हें परमानेंट खून की जरूरत पड़ती रहती है। वो बच्चे जो पहले से बीमार थे, पहले से एक बहुत ही गंभीर रोग से ग्रसित थे, उन बच्चों को HIV संक्रमित खून, हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी से संक्रमित खून चढ़ा दिया जाए, तो कई सारे सवाल एक साथ खड़े हो जाते हैं। कई सारे सवाल एक साथ इसलिए खड़े हो जाते हैं क्योंकि मई जून में शिमला बना देने वाले मुख्यमंत्री के राज में यदि हो रहा है तो उन बच्चों की जिंदगी का शिमला बनाया नहीं बना, उन बच्चों की जिंदगी का सोमालिया जरूर बन गया। ये कानपुर की घटना दर्शाती है। इसलिए दर्शाती है क्योंकि आखिर अस्पताल की व्यवस्था इतनी लचर क्यों है कि बच्चों को चढ़ाने वाले खून की पहले से जांच नहीं की गई कि क्या वो खून चढ़ाने लायक है या नहीं? इस तरह का ब्लड ट्रांसफ्यूजन का काम किसी ने क्यों किया? क्या अस्पताल प्रबंधन इसके लिए दोषी है और क्या ब्लड बैंक के अधिकारी भी इसके लिए दोषी है? और सबसे बड़ा सवाल कि जब ब्लड बैंक में खून को जमा किया जाता है, ब्लड सैंपल लिए जाते हैं, अलग अलग ग्रुप्स के ब्लड को वहाँ पर स्टोर किया जाता है, तो जिस वक्त लोगों से ब्लड लिया जाता है क्या उस वक्त उसकी जांच नहीं होती? क्या डोनर के स्वास्थ्य की कभी जांच नहीं की जाती? और क्या इन सब के बीच राज्य सरकार का स्वास्थ्य विभाग का तंत्र इतना कमजोर है, क्या राज्य सरकार के लिए स्वास्थ्य प्राथमिकता सूची में नहीं है जिस वजह से समस्याएं खड़ी हो रही है? सवाल बड़ा है। अगर ये काम भारत के बाहर हुआ होता, सोचिए किसी विकसित देश में, किसी उच्च मानव विकास सूचकांक वाले देश में जिसको स्कैंडिनेवियन कंट्री कहते हैं, नॉर्वे, फिनलैंड, स्विट्जरलैंड और डेनमार्क जैसे देशों में यह काम हुआ होता, अमेरिका में हुआ होता, पूरी की पूरी सरकार को लोग चुनाव में हरा देते। सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा मानव विकास से जुड़े हुए, शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रति व्यक्ति आय से जुड़े हुए मुद्दे होते। कभी मंदिर, मस्जिद या चर्च का मुद्दा बड़ा नहीं होता, लेकिन हिंदुस्तान में जिस प्रकार की रवायत चल रही है, स्वास्थ्य कोई मुद्दा नहीं है, महंगाई कोई मुद्दा नहीं है, बेरोजगारी कोई मुद्दा नहीं है, HDI के पैरामीटर्स कोई मुद्दा नहीं है, GDP का बढ़ना कोई मुद्दा नहीं है, GDP के बढ़ने में आम आदमी, मध्य वर्ग और गरीबों की हिस्सेदारी का बढ़ना कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा क्या है? मुद्दा इसी उत्तर प्रदेश के मुद्दे की ही यदि बात करें तो मुद्दा सबसे बड़ा क्या है? राम मंदिर के उद्घाटन की तारीख। दूसरा मुद्दा क्या है कि ज्ञानवापी में क्या मिला? तीसरा मुद्दा क्या है कि मथुरा में क्या होने वाला है? और इन सब मुद्दों के बीच आम आदमी कहां जाता है? उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ आबादी का क्या भविष्य है? क्या वो इसी तरह थैलेसीमिया पीड़ित बच्चे, उन्हें HIV वाला ब्लड चढ़ाया जाएगा, उन्हें हेपेटाइटिस बी और सी वाला ब्लड चढ़ाया जाएगा? लाला लाजपत राय अस्पताल में जो घटना हुई, उस घटना में 7 बच्चों को हेपेटाइटिस बी, 5 बच्चों को हेपेटाइटिस सी और 2 बच्चों को HIV से संक्रमित खून चढ़ाया गया। अस्पताल प्रबंधन अब लीपापोती की कोशिश में है। राज्य सरकार की तरफ से कोई बयान नहीं आया है।
भारत सरकार का स्वास्थ्य मंत्रालय चिर निद्रा में लीन हो गया नजर आता है और इस देश के तमाम स्वयंसेवी संगठन जिनको पहले से ही लुटियंस गैंग, खान मार्केट गैंग, टुकड़े टुकड़े गैंग और पता नहीं क्या क्या अर्बन नक्सल्स, पता नहीं क्या क्या नाम दे दिए जाते हैं, वो सब लोग भी मौजूदा दौर में समाज की इस व्यथा से त्रस्त होकर के कहीं कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। गोदी मीडिया में एक खबर आपने कहीं चलते हुए नहीं देखी होगी कि उत्तर प्रदेश में क्या हुआ, कहीं आपने किसी को हल्ला बोल और दंगल करते हुए नहीं देखा होगा कि इन 14 बच्चों के साथ क्या हुआ, क्योंकि सवाल गोदी मीडिया से जुड़ा हुआ है, सवाल भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य का है, कोई नहीं बोलेगा। इसी कानपुर शहर में अगर कोई सड़क पर नमाज पढ़ने बैठ जाए बहुत बड़ा मुद्दा हो जाएगा, मस्जिद में जगह कम पड़ जाए, लोगों की आबादी बढ़ी है, शहर की जनसंख्या बढ़ी है, मस्जिद के बाहर की सड़क पर लोग नमाज पढ़ने के लिए बैठ जाए, ये बहुत बड़ा मुद्दा हो जाएगा। लाउड स्पीकर टांगना और लाउड स्पीकर उतारना बहुत बड़ा मुद्दा हो जाएगा, लेकिन आम आदमी की जिंदगी को सूली पर टांग देना, उसकी सुरक्षा को खतरे में डाल देना, उसके स्वास्थ्य को खतरे में डाल देना मौजूदा दौर में कोई मुद्दा नहीं है, क्योंकि यदि ये मुद्दा होता तो टेलीविजन चैनलों पर आज ये सबसे बड़ी खबर होती है। गोदी मीडिया के लोगों की ये हिम्मत नहीं होती कि वो आम जनता की जनभावनाओं से अलग हट करके किसी दूसरे मुद्दे पर चर्चा करें। 10-12 साल पहले के दौर में चले जाइए, आप सबने देखा दिल्ली में इतना बड़ा बलात्कार कांड हुआ, निर्भया कांड, उस घटना के बाद टेलीविजन चैनलों की रीढ़ बची हुई थी, चारों तरफ उस घटना ने इस देश में मनमोहन सिंह सरकार को कटघरे में खड़ा किया, उनके लॉ एंड ऑर्डर के दावे को कटघरे में खड़ा किया, और करना भी चाहिए था, यही मीडिया का धर्म है। लेकिन आज क्या हो रहा है, सबके कान सिले हुए हैं, और इस सब परिस्थितियों के बीच में 5 राज्यों में चुनाव चल रहे हैं, किसी चुनावी राज्य में कहीं भी किसी भी राजनेता के मुंह से, खासकर भारतीय जनता पार्टी जो कई राज्यों में सत्तारूढ़ है और उत्तर प्रदेश उसका सत्तारूढ़ राज्य है, कहीं भी आपने नहीं सुना होगा कि कहीं पर जाकर के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने स्वास्थ्य को मुद्दा बनाया, प्राथमिक शिक्षा को मुद्दा बनाया, कॉलेज की बिगड़ती हालत को मुद्दा बनाया हो। लेकिन इस देश में आज बाल आयोग, चाइल्ड राइट्स क्या कर रहा है, इस देश में आज मानवाधिकार आयोग क्या कर रहा है, इस देश में आज महिला और बाल विकास मंत्रालय क्या कर रहा है, स्मृति ईरानी क्या कर रही है, सवाल बहुत बड़ा है। स्टंटेड ग्रोथ के मामले में भारत की स्थिति बहुत खराब है, बहुत सारे बच्चे स्टंटेड ग्रोथ के साथ उनकी ग्रोथ हो रही है, वो कुपोषण के शिकार है। कुपोषण की स्थिति जिस देश में इतनी खराब हो, थैलेसीमिया से पीड़ित बच्चे पैदा हो रहे हो, जिस उत्तर प्रदेश की स्थिति सबसे ज़्यादा खराब हो, आपने प्रधानमंत्री या स्वास्थ्य मंत्री या राज्य के मुख्यमंत्री या राज्य के स्वास्थ्य मंत्री के मुंह से कभी ऐसा सुना, नहीं सुनने को मिला होगा। और जो हैसियत इस दौर में मौजूदा सत्ता की है, क्या इस दौर में स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे मुद्दों को दरकिनार करते हुए भारत का समाज, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का समाज, क्या इतना नीचे गिर गया है कि उसके लिए मुद्दा सिर्फ मंदिर और मस्जिद बचा है? अरे मंदिर और मस्जिद में जाने के लिए भी आपका स्वास्थ्य सही होना चाहिए, तभी जाकर के आप कहीं मंदिर की 5-10 किलोमीटर की चढ़ाई भी चढ़ सकते हो, तभी जाकर के कोई व्यक्ति मस्जिद की बात करे, तभी जाकर के कोई व्यक्ति हज की यात्रा पर जा सकता है, स्वास्थ्य उसका सही होगा तभी जा सकता है और तभी वहाँ की परिस्थितियों में अल्लाह की इबादत कर सकता है और मंदिर जाने वाले लोग भगवान की पूजा कर सकते हैं। लेकिन मुद्दा मंदिर मस्जिद है, मुद्दा स्वास्थ्य नहीं है। और जिनके घर के बच्चों के ऊपर आप ये घटना हुई है कि उनके स्वास्थ्य की भरपाई कौन करेगा, उनकी मानसिक स्थिति को के लिए आज कौन जवाबदेह है, कोई बोलने वाला नहीं है। और जो सवाल उठाएगा, मैं फिर कह रहा हूँ, उसकी स्थिति इस देश में सवाल उठाने वाले की विलन की बना दी जाएगी। आप सबने देखा होगा कि नमक रोटी मिड डे मील में उत्तर प्रदेश में दिया जा रहा था, जिस पत्रकार ने सवाल उठाया, जिस रिपोर्टर ने उसे मुद्दा बनाया, उसे जेल की हवा खानी पड़ी। तो आज के दौर में जब सवाल उठाना ही जुर्म है, उस दौर में अगर हम सवाल उठा रहे हैं तो यकीन मानिए दोस्तों, इस सवाल उठाने के पीछे भी जिस प्रकार की हिम्मत की जरूरत होती है, वो हिम्मत हम दिखा रहे हैं। देश नीति के साथ अपना भरोसा बनाए रखिए और तमाम तरह की, भले ही प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की स्थिति कितने भी नीचे चली जाए, तमाम तरह की दुश्वारियों को झेलते हुए जनहित के से जुड़े हुए मुद्दे को हम पूरी निर्भीकता के साथ आपके साथ लाते रहेंगे। और यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।